जा रहे हो तुम? सुबह नहीं हुई है अभी। वो रात की चिड़िया थी, भोर का पंछी नहीं, जो मचा के शोर तुम्हारे कानों में डरा दिया तुमको। अक्सर ये चकोर ऐसे ही बोलता है इस अमराई में। मानो मेरी बात वो नहीं थी आवाज कोयल की। वो कोयल ही थी जाने मन, चकोर या टिठहरी नहीं। वो देखो पूरब में फटती है पौ, रात की शमा बुझ चुकी है और कोहरे की चादर ओढ़े पहाड़ की चोटी पर दिन उचक कर खड़ा हुआ है। जिंदा रहना है तो जाना ही होगा, अगर ठहर गया तो इस जहां से ही चला जाऊंगा। मैं जानती हूँ वो नहीं है सुबह की किरण, है कोई चमकता सितारा जिसे सूरज ने भेजा है तुम्हें मंतुआ की राह बताने को। इसीलिए घड़ी भर ठहर जाओ, अभी से जाने की कोई जरूरत नहीं। हो जाने दो कैद मुझे और लग जाने दो फांसी, खुश हूं मैं इसमें अगर ये चाहत है तुम्हारी। मान लूंगा मैं कि वो सुबह की उजास नहीं बल्कि चांद की ललाट की परछाई है, ना ही वो भोर की चिड़िया थी जिसकी आवाज ऊपर आकाश में गूंजती चली जाती है। इसलिए आओ मेरी जान, बातें करें, दिन निकलने में है अभी वक्त काफी। नहीं, वो भोर का चिड़िया ही था जो जुदा करता है हमें एक दूसरे से। जाओ यहां से फौरन, जल्द ही सिपाही तुम्हें खोजना शुरू कर देंगे। देख रही हूं मैं, उजाला बढ़ता जा रहा है। बढ़ते उजाले के साथ ही बढ़ते हैं हमारे गम। बिड़िया, बिड़िया, तुम्हारी माँ आती है तुम्हारे कमरे की ओर। मैं तुम्हें होशियार करने आई थी बिड़िया। जिस खिड़की से आता है सवेरा उसी खिड़की से जाती है मेरी जान। चलता हूँ मेरी जान, बस एक बोसा और अलविदा। जाते हो क्या तुम मेरे प्यार, मेरी चाहत, मेरे स्वामी, मेरे दोस्त? भेजना संदेश हर घड़ी हर पल, क्योंकि एक पल में होते हैं कई कई महीने। इस हिसाब से तो मैं जब तुमसे फिर मिलूंगी मेरी कितनी उम्र निकल चुकी होगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत भेजने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है हम फिर मिलेंगे? बेशक, आने वाले दिनों में हम बातें करेंगे मीठी यादों की। मेरे अंदर अपशकुन का भाव क्यों जग रहा है? तुम नीचे खड़े हो तो ऐसा लगता है मानो कब्र की तली में कोई लेटा हुआ है। या तो मेरी नजरें कमजोर पड़ गई या फिर तुम धुंधले पड़ गए हो। तुम भी धुंधली दिख रही हो। लंजो गम ने हमसे हमारे रंग छीन लिए हैं। अलविदा।